क्या पर्ण? जल। तो फिर अलग है। जल को इंग्लिश में बोल क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर। अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लैंड में उत्पत्ति हुआ शब्द अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले इसको क्या बोलते हैं? वाटर, ठीक है ना। जर्मन में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? वासर। क्या बोलते हैं? अब देख लीजिए, इंडिया वाला हरदम चलाक रहता है, इंडिया और यूरोप, खास के इंडिया वाला सब काम लोग कर लेगा ना, तो बीच वाला रास्ता ढूंढेगा, बीच वाला से खटाक से निकल जाएगा। कभी भी इंडिया वाला हरदम शॉर्ट, यानी कि देखे कि दूर पर रहा है वो, नजदीक पर रहा है वो, क्योंकि सब लोग काम करने के बाद जो है ना वो सोचेगा कि कौन अच्छा होगा, वही से निकल जाता है। तो इंडिया में अगर हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं तो भारत और यूरोप शब्द में जिसका अर्थ होता है वेट, क्या होता है? क्या होता है? वेट। जैसे हम लोग ऐसे लिखे वेट, WET, क्या लिखे? वेट। इसका अर्थ क्या होता है भारत ही में? गीला। भारत और यूरोप में इसका अर्थ क्या होता है? गीला। और यही जर्मनी शब्द से हम लोग अगर वास निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्या निकाल लेते हैं? देखिए, अगर अंग्रेजी से हम लोग क्या लिए? वेट, ठीक है ना। आ जर्मनी से क्या लिए? वास। तो वेट का मतलब क्या होता है? गीला। किसमें? भारत और यूरोप शब्द में। किस शब्द में? भारत और यूरोप शब्द में। अगर इससे लेते हैं वास, यहाँ जैसे यहाँ वास लिखे, इसको अगर लेते हैं भारत और यूरोप, इसका मतलब होता है धोना। हल्ला क्या करता? इसका मतलब क्या होता है? धोना। अर्थात जो गीला पदार्थ है जिससे हम धोते हैं कोई चीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर। क्या कहते हैं? वाटर, पानी। ये शाब्दिक ऐसा अर्थ हुआ जिन्हें हम समझ, लेकिन ऐसा अगर इसको विज्ञान के हिसाब से चलेंगे, केमिकल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि गीला है तो कोई ना कोई पदार्थ है, पदार्थ के हिसाब से चलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यह एक यौगिक है। क्या है? अगर कोई पूछे, रह बोलते चुप रहने के लिए, तो अगर कोई आप सबसे या हमसे कभी भी पूछे, एक ही बात बताना है क्या, कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंचा लगा दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शब्द से जो बना है, ऑक्सीजन से बना है तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तत्व है, इससे जो बनता है जो यौगिक, उसे हमारे लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें अनुपात जल का अनुसूत्र होता है H2O। क्या होता है जल का अनुसूत्र? क्या होता है? H2O। ये निश्चित अनुपात में 2:1 कितने में रहते है? कितने में रहते? 2:1 में रहते हैं हर हमेशा। तो जल का अणुसूत्र क्या हुआ? H2O। क्या हुआ? अब हाइड्रोजन क्या है? तो एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। तत्व वह है जो एक ही परमाणु से बना होता है, तत्व कहलाता है। शॉर्टकट परिभाषा, जब ये कोई तत्व का परिभाषा पूछे ना, तो एक ही बात, जो एक ही परमाणु से बने होते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और जो दो तत्व से मिलके बनते उन्हें यौगिक कह देते हैं। ऐसे तो यही है कि इसको एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है यौगिक बनाने के लिए। हाँ ठीक। देखो तो रूम के बाहर कौन है? हल्ला मत करो, चुपचाप बैठो। क्या हुआ? जब ये कोई तत्व का परिभाषा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? एक लाइन में सटीक इसका उत्तर है। क्या है?
सटीक इसका उत्तर क्या होगा, जो एक ही परमाणु से बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोल दीजिए। एक ही परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और जिन्हें सरल विधि द्वारा हम अलग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते हैं सरल यांत्रिक विधि द्वारा, उन्हें हम लोग यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। और जिसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर पाते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। एक ही परमाणु से बने होते उन्हें तत्व कहते हैं। लेकिन अगर बड़ा परिभाषा इसको सुनोगे, होता है ऐसा जैसे विज्ञान उगन में रटते हैं, नवा दसवां के लोग सब, इंटर के लोग सब ये रट लेते हैं, छठा सतमा का तो रटवे करेगा। हाँ, वो सब रटवे करता है। कैसा? तो देखो तत्व का प्रकृति में पाए जाने वाले वे शुद्ध और समांगी पदार्थ जो किसी सरल यांत्रिक विधि द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, और उस पदार्थ को कितना भी खंड करेंगे तो उसी पदार्थ के अंतिम खंड में जिस पदार्थ को तोड़ेंगे उसी का गुण पाया जाएगा, वो है तत्व। इतना बड़ा परिभाषा होता है, ठीक है ना? एक लाइन में लिखते, एक ही परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो अब समझ गया, तत्व का लफड़ा खत्म, समझ गया। अब वाटर का भी लफड़ा खत्म। अब भाई वाटर ये है, जल ये महत्व इसका क्या है? तो पहले ये जान ले कि पृथ्वी पर कितना जल है। 71% जल है, जिसमें पीने लायक 3% जल है, जिन्हें हम लोग मीठा जल है, जिन्हें पी सकते हैं। नदी झील तालाब मिला के अगर पानी आप ले दे के बैठिएगा तो 1% है। कितना है? फिर भूमिगत जल को भी जोड़ लेने के बाद 3% टोटल काउंट आ जाते हैं, ठीक है ना? इतना आते हैं। अब देखिए, लेकिन क्या सारे जल है इसमें? तो देखिए, जल अभी कभी भी हम लोग पिए, या भूमिगत जल ले या कोई जल ले, हम अधिकतर भूमिगत जल पीते हैं। कौन पीते हैं? भूमिगत जल का मतलब जमीन के अंदर से निकाले हुए जल को पीते हैं। जमीन के अंदर से निकाले हुए, उसको थोड़ा सुसुम कर देना चाहिए, रिफाइन कर लेना चाहिए, तब पीना चाहिए। क्योंकि अभी हर चीज दूषित हो चुका है, सारा एनवायरमेंट दूषित हो चुका है। देखते हैं, आदमी को कहते हैं कोई चीज पर कंट्रोल करने के लिए, व्यक्ति को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। साइंस भी कहता है कि थोड़ा परहेज कीजिए हर चीज पर, जब नहीं करता है तो ऊपर वाला नेचर परहेज करना जानता है, प्रकृति। देखते हैं कितना गर्मी बढ़ा देता है, ठंडी बढ़ा देगा, बरसातें धराधर कर देगा, कोई एरिया में आदमी के खत्म कर देगा, बहुत आदमी सारे को ऐसा भूकंप ला देगा, सब मर के खत्म, ठीक है ना? गर्मी के कारण बहुत ही आदमी को खत्म में कर देगा। तो जब आदमी नहीं कंट्रोल कर पाएगा ना, तो ऊपर वाला कंट्रोल करना जानता है, सबको सोच करना वो जानता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कैमरा बड़ा तागड़ा लग ले, देखता है सब, समझ गया ना? आदमी की सीसीटीवी कैमरा से बच जाओगे। एक आदमी एक दिन हम पूछे थे कि तू ये गलती किया था, वो बोला नहीं गलती किया, जबकि उसकी जो है ना सारे फुटेज कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके थे, जो कि हम मोबाइल में देखे थे, तब पर भी बोल रहा था हमारे सामने भी हम गलती नहीं की। तो हम उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन अनुमान लगाए कि आदमी झूठ ज्यादा बोलता है, ये सीखे। और समझ लीजिए, सब झूठ बोलता है, सब झूठ झूठ पे ही जी रहा है। एक पिता, एक माता, एक संतान, एक दोस्त, दूसरे दोस्त को सही बात नहीं बताएगा जो उसके बारे में सोच रहा है। एक पति पत्नी सत्य बात वो नहीं बताएगा जो उसके बारे में सोच रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं, एक संबंधी दूसरे संबंधी को नहीं सत्य बताएगा, क्योंकि जिस दिन सत्य बता दिया ना, इस संसार में एक भी रिश्ता नहीं रहेगा, सारा रिश्ता टूट जाएगा। झूठ में जीने की आदत पड़ी है, जी जिए, सब झूठ में जी रहा है। एक संतान ना अपने पिता को सही सही बात बताएगा, ना माता को,
एक पति पत्नी अपने पति को नहीं सही बात बताया है, ना अपने पत्नी अपने पति को नहीं, आ पति अपने पत्नी को नहीं। जिस दिन बता दिया उस दिन सब टूट जाएगा, सब झूठ में जी रहा है, जीने का आदत पड़ा है, क्या करिए, जियो आराम से जी। चलिए, तो इतने जल है, समझ गए, जल हम लोग अभी तक इतना टेक्नोलॉजी हमारा आगे नहीं बना है कि हम जल बना सकते हैं, ठीक है ना। हर प्रयोगशाला में नहीं बनता है, जल बनता है लेकिन आप हर जगह हर प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। बताएंगे जल कहाँ बनता, कैसे बनाया जाता, पहले तो जल के महत्व देख लेते। अब जल के महत्व क्या है जीवन में ये जरा देख लेते। जल कोशिकाओं में पोषक पदार्थ को, व्यर्थ पदार्थ को, पोषक पदार्थ को ले जाते हैं, अब व्यर्थ को क्या करते हैं बाहर धकेल के निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, समझ गया। जैसे खाते हैं ना हम लोग खाना, खाते खाते हुमच के खा लिए, यहां तक आ गया, ठीक है ना, एकदम यहां तक भर गया, और तब जो खाना खाएंगे या खाते रहते हैं और पानी भी पी लेंगे तो हटा के हिचकी उठ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एगो बल्ब लगल है, वो देखता रहता है कि पानी दूसर तरफ जाएगा, खाना दूसरे तरफ, सांस नली दूसर तरफ, अब सब एक टकराएगा तो बोलेगा अरे ससुरा आ रहा है, के ब्रू धकेल लेगा, अब हिचकी फटाक से उठता है। तो पानी जब एक बार चावल भी ना मुंह में रहे, जैसे अनाज भी मुंह में ना रहे और पानी भी ना मुंह में ले, किसी किसी का आदत होता है ऐसा ना करे, वही हिचकी आ जाता है, इसी पर खट से धकेल के बाहर कर देता है कि श्वास नली में कहूं ना चला जाए वो लोग, इसलिए ऐसा होता है। अब चलिए, जल सभी पाचन अवशोषण तथा उत्सर्जन क्रियाओं में, उत्सर्जन का मतलब जानते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलना, मलमूत्र को त्याग होना, इसमें जल सहायक होते हैं। अगर जल नहीं रहेगा तो शरीर से मल त्याग नहीं हो पाएगा, शरीर से यूरिया जिसको मूत्र कहते हैं वो त्याग नहीं हो, उसको यूरिया बोलते हैं, बड़ा खतरनाक। आप पूछेगा, आज सोच लीजिए, कोई पूछेगा शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ क्या है, तो मूत्र है, यूरिया। अगर वो नहीं निकला ना एक दिन 24 घंटा, तो आदमी मर भी जाएगा। मल अगर 4 दिन नहीं भी निकलेगा तब पर चलने वाला है, लेकिन अगर मूत्र यूरिया त्याग नहीं हुआ शरीर से तो सीधा ऊपर लेके चल जाए, कहाँ लेके चला जाता है, ऊपर, मरना तय हो जाता है। हमारा नाना जी ऐसे ही मर गया, क्या होगा उसका, जो है ना यूरिया रुक गई, पेशाब द्वार में कुछ हो गया, रुक गया, दिखाया नहीं, जब मर गया तब खबर किया गया और बोला गया ऐसा हुआ, गए तो मर गया था। तो उत्सर्जन ये हुआ, कोई चीज को शरीर में लेते हैं तो उसको अवशोषण करते, जैसे चॉकलेट हम लोग खाते हैं तो चूसते रहते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व जाता है तो कोशिका उसमें से अच्छा अच्छा सामान को शोषित करता है, अवशोषण इसी को कहते हैं। क्या करते हैं, दम, जैसे मीठ लगता है तो हम लोग दम चुभते रहते हैं ना चॉकलेट को, आराम से धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही कोशिका भी पोषक तत्व जब खाते हैं तो उसको धीरे धीरे उसमें से अच्छा पदार्थ जो है पोषक तत्व तो उसको चूसता रहता है, इसके बाद फिर भेज देता है इसमें, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए निकल के एकदम मलाशय में जाकर के अवशोष पदार्थ बच जाता है, जिसे मल कहते हैं। कहते ले जो तो हर काम हो गया, अब नहीं जरूरी है, ठीक है। वो भी बेचारा आवर रास्ते एक बनल है, वो रास्ता से निकल करके शरीर से बाहर भाग जाता, कहते बाघ तोरा जगह नहीं है रे। जल पानी में घुलनशील विटामिनों की उपयोगिता के लिए आवश्यक है। जल में हम लोग पीते हैं उसमें क्या है, विटामिन है, शरीर को विटामिन मिलते हैं, विटामिन शरीर को अधिक मात्रा में नहीं चाहिए जो बता दिए हैं, थोड़ी अल्प मात्रा में ही चाहिए। अब चलिए, यह उचित ताप शरीर में रखता है, शरीर का अधिक तापमान ना बढ़े ये भी जल ही तय करती है, समझ गया। उत्सर्जन तंत्र सरलता से कार्य करे, जो उत्सर्जन तंत्र है हमारे शरीर में, क्या है उत्सर्जन तंत्र, एक वीरिक है, वीरिक जिसको किडनी बोलते हैं, और एक फेफड़ा, क्या फेफड़ा क्या करता है, अशुद्ध वायु को बाहर फेंक देता है, शुद्ध को लेता, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
हटा देता है, ये शोषण के थ्रू होता है। वृक्ष क्या करता है, शरीर से व्यर्थ पानी पदार्थ यूरिया जो होता है उसको पानी, देखो वृक्ष किसी का यदि खराब हो गया वो एक कुछ छन्ना का काम करता है, छान करके सब कुछ को अच्छा अच्छा पदार्थ छान लेता है व्यर्थ को, पर वही छानने में गड़बड़ी जब हो जाती है ना तो वृक्ष किसी का खराब ना हो, किडनी जिसको बोलते बड़ा खतरनाक चीज, ये ना खराब हो, सब में है वृक्ष। अब मानव शरीर में जल की आवश्यकता क्या है ये जरा देखेंगे, तो जरा देखते हैं। गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं ना, मानव शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं गुर्दा में। जल के द्वारा ही गुर्दा के शरीर के व्यर्थ हानिकारक पदार्थ, किडनी से जल के द्वारा ही व्यर्थ हानि पदार्थ निकल जाता है, क्या होता है खराब अच्छा पदार्थ रख लिया और खराब पदार्थ को किडनी क्या क्या धकेल के हटा दिया। इसके बाद क्या है, सामान्य रूप से एक सामान्य प्रतिदिन आदमी को कितना जल पीना चाहिए, समझ गया, 3 से 4 लीटर तक पीना चाहिए, 5 लीटर तक, 5 लीटर जल रोज पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर 2 लीटर, अधिकतम 5 लीटर 6 लीटर, हाँ भर दिन में। ऐसा खच्चर लोग होता है खा पूरा खाना खा लेता है, 1 कप पानी पीता है चाय जैसा हो गया, अब ओकरे जो तबीयत खराब होगा, पेट में दर्द करेगा, सब खराब ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल ले नहीं गया, जल अवशोषण करेगा ना, जल उसमें घुलल रहेगा तो। अब एक बात बताइए, कोई चीज आटा उटा सानते हैं कम में जल में सनाएगा, आटा को लुदली बनता है कम जल में बनेगा, जल बराबर दीजिएगा तब ना, ऐसे ही शरीर में भोजन जाता है वो कब एकदम घुल मिल हो जाएगा, जब उसमें जल घुलेगा, क्या घुलेगा तब ना उसको लुदली बनाएगा, आराम से बनाने में आंत को सहायता मिलेगी और उसको पचाने में, हम लोग नहीं पियेंगे तो क्या होगा, गलती दिक्कतें वाली बात है ना, तो ये याद रहे। तो हम लोग पानी पिए, पानी के बिना मानव शरीर में मानव शरीर कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, कुछ दिनों तक पानी के बिना जीवित रह सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, ठीक है ना, नाक बंद करके आप कितना देर तक रह जाएगा, अधिकतम 30 सेकेंड 50 सेकेंड किसी की अगर ठीक ठाक हो तो, लेकिन 2 मिनट तक खत्म, 3 मिनट में खत्म हो जाएगी आदमी। अब देखो ज्वार अवस्था में जल क्या होता है, हानि अत्यधिक होती है, ज्वार अवस्था में क्या होता है, जब शरीर में बुखार आता है तो जल क्या होती है, कमी आ जाती है शरीर में, क्या आ जाती है, ज्वार का मतलब बुखार होता है, क्या होता है बुखार। एक होता है निर्जलीकरण, बुखार भी लगल है, पेट झर रहा है और उल्टी हो रहा है, निर्जलीकरण हुआ, क्या हुआ, देखो पेट भी झरा और उल्टी भी हुआ, आ उस दौरान शरीर में जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या समझा, दस्त हो रही है, ठीक है ना, उल्टी भी हो रही है, आ शरीर में उल्टी हो रहा है तो जल बाहर निकलेगा, दस्त हो रहा है तो जल बाहर निकलेगी, शरीर में जल की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर बोलेगा ग्लूकोज पीजिए, ठीक है ना, जल की कमी हो गई है, तो इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ गए, निर्जलीकरण, क्या, दस्त के दौरान बार बार उल्टी होना, उल्टी होना, ठीक है ना, दस्त होना और इसके दौरान शरीर में जल के कमी होना निर्जलीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, अब जल के कमी से क्या होगा, रक्त दबाव उच्च हो जाएगा, माने जिसको कहते हैं बीपी हाई, क्या कहते हैं बीपी हाई, गुर्दा कार्य करना बंद कर देगा, किडनी कार्य करना बंद, हमारा हृदय अनुचित प्रकार की कार्य करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना, कभी कस के धड़कना स्टार्ट हो जाएगा, कभी धीरे धीरे, ठीक है ना, हृदय कभी क्या होगा, कभी कस के स्पीड में धड़केगा तो कभी धीरे धीरे, यही स्पीड धीरे होगा, कभी स्पीड हुआ आदमी खत्म, महाधमनी फट जाएगा, इसी को हार्ट अटैक कहते, खत्म हो जाए, है याद रहे, ब्रेन को हृदय को सारा को एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर किसी की यदि ये समझिए कि कोई चीज सुन के वो हड़बड़ा जाते हैं
या कुछ दिक्कत हो जाता है तो ऐसा काम ना करें, ठीक है ना। जैसे किसी को हम जाते हैं खटाक से कुछ बोल देते हैं तो उसका धड़कन तेज हो जाता है, इस स्थिति में उसको कोई चीज बोले तो आराम से बोले, ठीक है ना, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में यदि धराम से जाकर उसके पास हम बोल दिए लड़का काय उदे, धराम से जाके खटाक से बोल दिए ना, उ देखा ना तो बोल दिए, और कहूं सुना आँख खुले रहा खुले रह गया, खत्म हो गया। ये इमोशन के थ्रू ऐसा होता है, किसी से लगाव हो तो उसको छोड़िएगा मत, नहीं तो मर जाता है। तब ना देखते हैं किसी लड़का लड़की को प्रेम रहता है तो लड़का या लड़की आत्महत्या कर लेता है, ये इमोशन के थ्रू ऐसा होता है। ऐसा गलती मत करिएगा कोई जीवन में कभी ना करे कि कोई लड़का के कारण कोई लड़की मरे, कोई लड़की के कारण कोई लड़का मरे, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और इस पाप को पाप बोलते हैं ना, पाप तो हम जानते नहीं कि कौन कितना होता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर गलत करिएगा तो इसका नतीजा एक बरस नहीं, दो बरस नहीं, तीन बरस नहीं, दस बरस नहीं, बीस बरस नहीं, मरतो दम तक चुकाना पड़ता है। मरतो दम तक क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, और चुका के जाना पड़ता है चाहे किसी भी हाल में जाए। तो जल की कमी होगी तो क्या होगा, खैर छोड़िए दूर की बात है, रक्त बीपी हाई हो जाएगा, गुद्दा काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना, हृदय का गति कुछ हो जाएगा, जो उसका रहेगा काम उसको उस अनुकूल काम नहीं कर पाता है, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, समझ गए। ये है जल की कमी से होने वाले बीमारी, समझ गए। कभी पढ़ाएंगे हृदय के बारे में और इमोशन के बारे में। जैसे किसी को कोई देख, छोटा बच्चा देखेगा, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, बहुत छोट बच्चा है जो धुनमुन धुनमुन चलता है, थोड़ा पैर चला गिर चलता है और कुछ दूर जाने के बाद गिर जाता है, लेकिन चलता है। वैसा बच्चा में कोई 8, 10 साल, 12 साल का बच्चा है, उसमें उसके दोनों के आगू में अगर कोई मर गया है आस पड़ोस में, तो छोटा बच्चा कुछ नहीं समझेगा, जाएगा आराम से देखेगा कि सब है, और वो खुशी से के मारे खेलेगा भी, वो अनुभव नहीं करेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जो 8-10 साल का रहेगा उन्हें अनुभव होगा कि दर्द हो रहा है, वो उदास होगा, उसके लिए रो भी लेगा। रोना जरूरी है जिंदगी में, कोई बोलेगा ना ए मर्द के सीने में दर्द क्यों होता है, हम क्यों रोएंगे, तो समझ लो बड़ा खराब चीज है, ठीक है ना। वैसा आदमी से दूर रहना, कितना आदमी के मुंह से सुने ए मर्द है हम, हमारे सीने में दर्द नहीं होगा, हम रोवे क्यों करें, तो जो आदमी नहीं रोता है समझिए वो आदमी से दूर रहना है। रोना जिंदगी में बहुत जरूरी है, अगर नहीं रोएगा ना जिस दिन आदमी, उस दिन पुरुष हो या महिला, वो पागल हो जाएगा। उसका ब्रेन कुछ विपरीत दिशा में काम करने लगे। रोना, रोने से दिल को, मन को तसल्ली मिलती है, दिल को, हृदय को ठंडक होती है, ठीक है। समाज में, अभी के समाज में तो रोने से नहीं ठंडक मिलती है, अभी के समाज में दूसरे को दुख देने देखने से ठंडक मिलता है, भने हुआ उसको और हो, ठीक है ना। ऐसा पड़ोसी सब अब पैदा ले चुका है, आस पड़ोस के ऐसा पड़ोसी को प्रणाम करना, साइड हो जाना आराम से, ऐसे सबसे दूर रहना। आदमी मनहूसों से भरे, खैर वो दूर की बात है। तो जल के महत्व समझ गए, जल की आवश्यकता भी समझ गए, जल से क्या क्या होता है कमी के कारण, गुद्दा काम करना, किडनी काम करना क्या करता है, बंद कर देता है, बीपी हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, हमारा हृदय अनुचित प्रकार के क्रियाकलाप करने लगता है, कभी कस कर धड़केगा, कभी धड़कना बंद कर देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, कभी धड़कना बंद कर देगा, समझ गया।